السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। सेकेंड क्लास के तलबा मुतवज्जह हूँ। हरूफ मद्दा की तख्ती चल रही है। आपको समझाया गया था कि हरूफ मद्दा तीन हैं, अलिफ या वाव। अलिफ जिससे पहले हर्फ पर ज़बर हो, अलिफ जिससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो वहाँ अलिफ मद्दा होगा। जैसे इस पेज में आपको बतलाया गया कि बा के ऊपर ज़बर है, इसके बाद अलिफ आया हुआ, अलिफ मद्दा, तो बा अलिफ ज़बर बा, तो उसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। आज देखिए या, हरूफ मद्दे तीन हैं, उनमें से दूसरा या है। या देखिए, या साकिन जिस पर जज्म हो और जिससे पहले ज़ेर हो। देखिए जैसे ई, हमज़ा या ज़ेर ई, जज्म वाला हर्फ अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा। जिस हर्फ पर जज्म होगा, जज्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं, वो अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा। तो या साकिन से पहले क्या है, हमज़ा ज़ेर ई। तो अब इसको चूंकि इससे आगे या पर जज्म आया हुआ है तो हमज़ा को या से मिला देंगे और यहाँ या मद्दा होगा, इसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी, जीम या ज़ेर जी, हा या ज़ेर ही, खा या ज़ेर खी, दाल या ज़ेर दी, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, रा या ज़ेर री, ज़ा या ज़ेर ज़ी, सीन या ज़ेर सी, शीन या ज़ेर शी। इन सब में क्या है, या मद्दा है। ज़ेर वाले हर्फ के बाद या साकिन आई हुई है। स्वाद या ज़ेर सुई, स्वाद को अच्छी तरह से अदा कीजिए पुर करके। दौद या ज़ेर दुई, तो या ज़ेर तुई, तो तुई, ती मत पढ़ना इसको वरना तो त्वा को ता बन जाएगा। तो या ज़ेर तुई, ज़ो या ज़ेर ज़ुई, ऐन या ज़ेर ई, ग़ैन या ज़ेर ग़ी, फ़ा या ज़ेर फ़ी, क़ाफ या ज़ेर क़ी, काफ या ज़ेर की, लाम या ज़ेर ली, मीम या ज़ेर मी, नून या ज़ेर नी, वाव या ज़ेर वी, हा या ज़ेर ही, हमज़ा या ज़ेर ई, या ज़ेर यी। यहाँ पर इसको अलिफ मत पढ़ना। आपको बतलाया गया था कि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। उससे आगे था अलिफ हमेशा खाली होता है और जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है।
तो जब तक अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश नहीं है, जज़्म नहीं है, जैसे दाल अलिफ ज़बर दा, तो यहाँ अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है, अलिफ खाली है, तो ये अलिफ पढ़ा जाएगा दाल अलिफ ज़बर दा। और अगर इसके ऊपर अलिफ के ऊपर जज़्म आ जाए तो फिर ये दाल अलिफ ज़बर दा नहीं रहेगा, बल्कि दाल हमज़ा ज़बर दा बन जाएगा। इसी तरह ये अलिफ खाली नहीं है, अलिफ के नीचे क्या है, ज़ेर है, इसलिए इसका अब क्या बन गया, हमज़ा, हमज़ा या ज़ेर ई, इसको अलिफ या ज़ेर ई नहीं पढ़ेंगे। आगे देखिए, या ज़ेर यी, मश्क, दी, दाल या ज़ेर दी, देखो यहाँ पर भी आपको बतलाया गया दी, दाल या ज़ेर दी। अब यहाँ ऐसी शेप में या नहीं बना हुआ है पूरा, बल्कि या का शोशा बना हुआ है, उसका पता कैसे चलेगा कि ये या है, इसको नुक्तों से पहचाना जाएगा कि दो नुक्ते किसके नीचे होते हैं, या के, तो इसका मतलब ये है कि ये या है। दाल या ज़ेर दी, नून या ज़ेर नी, क्या बना, दी नी, दोनों जगह या मद्दा आई हुई है, दोनों को खींचकर पढ़ेंगे, दाल को भी और नून को भी। फी, फा या ज़ेर फी, ज़ेर वाले हर्फ के बाद या साकिन आई हुई है, इसलिए यहाँ पर या मद्दा होगा और फा को या से मिलाकर पढ़ेंगे। फा या ज़ेर फी, हा ज़ेर ही, फी ही, यहाँ नी खींचा गया था, क्यों, इसलिए कि ज़ेर वाले हर्फ के बाद या साकिन आई हुई थी और यहाँ हा के बाद कुछ नहीं आया हुआ है, इसलिए यहाँ सिर्फ हा के नीचे ज़ेर है, इसलिए इसको जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। फी ही, अ, हमज़ा ज़बर अ, री, रो ज़ेर री, अरी, नी, नून या ज़ेर नी, अरी नी, की, काफ ज़ेर की, ता अलिफ ज़बर ता, की ता, बी, बाया मद ज़ेर बी, किताबी। यहाँ तक इसको अच्छी तरह से मश्क के साथ याद कर लिया जाए।